तो वही लोकसभा चुनाव से पहले देश में सीएए कानून को लेकर एक बार फिर से चर्चा गर्म है। तो बीजेपी चुनाव समिति की बैठक में पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की कार की नंबर प्लेट को लेकर भी कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। और दोनों की कार के नंबर में सीएए जिसे लेकर कयास लगाए जा रहे हैं कि सरकार ने कानून के जल्द लागू होने का इशारा कर दिया है। मैं आप सबके सामने कहकर जाता हूं, सीए इस देश का कानून है, इसको कोई रोक नहीं सकता, सबको नागरिकता मिलने वाली, ये हमारी पार्टी का कमिटमेंट है। तो क्या अगला नंबर सीएए का ही है? क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की कार पर लगी DL1CAA4421 नंबर प्लेट की तस्वीर सामने आने के बाद से कयासों का बाजार गर्म है। गुरुवार को बीजेपी मुख्यालय में हुई पार्टी की चुनाव समिति की बैठक में शामिल होने पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह की कार का ये नंबर सोशल मीडिया पर वायरल है। दावा किया जा रहा है कि अमित शाह ने 2024 चुनाव की घोषणा से पहले देश में सीएए लागू करने का जो कमिटमेंट किया है उसके पूरा करने का वक्त करीब आ गया है। सोशल मीडिया पर सिर्फ अमित शाह की कार का नंबर ही वायरल नहीं है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की गाड़ी के नंबर में भी सीएए है। एक तरफ सीएए जल्द लागू होने के कयास लगाए जा रहे हैं तो दूसरी तरफ मुस्लिम धर्मगुरु और संगठन लोगों को अलर्ट रहने को कह रहे हैं। लिस्ट ठीक कराइए, जिसका इंतकाल हो गया उसका निकलवाइए, वो रहना नहीं चाहिए, जो नहीं चलाए वो चल जाना चाहिए, शादी करके लाए तो फिर फौरन वहां से कटवाना चाहिए, यहाँ चलवाना चाहिए, और कोई दूसरा नहीं करेगा, ये हमारा और आपका काम है। जब ये कोरोना का काम है, वोटर लिस्ट को सही करना और उसको सही करवाना, ये आपकी जिम्मेदारी, हमारी जिम्मेदारी। अगर उस जिम्मेदारी को हमने अदा नहीं किया आज की तारीख में तो हम मुजरिम होंगे, समझ लीजिए, ये जुर्म हमारे ऊपर आएगा, नस्लें माफ नहीं करेंगे। आज इसी मुद्दे पर जमाते इस्लामी हिंद के नेता भी मीडिया से रूबरू होने वाले हैं।